But are you really determined, or you just want to get the information? Are you really? No, no, no. Yes, I really want to into this because. Yes, yes, definitely. Because it was my aim first, but due to some circumstances, I have get into the engineering and MBA. Okay. Yes. Fine. So do you have some, let's start with the question answer, then I'll brief you about the procedure. Okay, fine. So start your questions one by one. I'll answer you. Actually, I just want to know that, first of all, what is the tenure of this course? Dekho, tenure depends. Like if you want to do it from India, it takes about 2 to 3 years on an average. Okay. And it all depends how fast you are clearing your paper and how fast you are getting the aircraft and the flying. Okay. Fine. Abroad, it takes hardly 10 to 12 months on an average. अगर आप अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो यू कैन इवन डू इट इन 6 to 8 months आल्सो, बिकॉज़ फ्लाइंग इज वेरी फास्ट देयर. अच्छा, फाइन, ठीक है, ओके. एंड व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज डू यू हैव इनटू योर इंस्टीट्यूट? लाइक वी प्रोवाइड ऑल एब इनिशियो ट्रेनिंग, वी प्रोवाइड ऑनलाइन प्री फ्लाइट ट्रेनिंग, वी प्रोवाइड. देन अगर आपको कमर्शियल पायलट के लिए जाना है तो वी प्रोवाइड यू ऑल द गाइडेंस. Okay. उसके अलावा हमारे पास Airbus 320 के टाइप रेटिंग है और एक यासा कन्वर्शन है जो इंडियन ATPL होल्डर्स है, जो ऑलरेडी एयरलाइन पायलट है, उनको हम लोग यासा कन्वर्शन कराते हैं ऑनलाइन क्लासेस. एवरीथिंग इज ऑनलाइन. ऑनलाइन, ओके. एंड प्रैक्टिकली जो है आप प्रैक्टिकल आपको बाहर जाना होगा, या तो आप US में जाना होगा. वी हैव टाई अप विद द एकेडमीज इन डिफरेंट कंट्रीज, US, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका. ओके ओके. Fine. So, in India, possible नहीं हो पाएगा? इंडिया हम लोग नहीं करवाते, possible तो हो जाएगा, बहुत सारी academies हैं, but क्या होता है ना, उनकी एक तो quality बहुत poor है. Okay. है ना, exposure बहुत कम है. और secondly, यहाँ कुछ ना कुछ problem हमेशा बनी रहती है सारी academies में, until unless की you go for the government, जो इंडिया की best academy है, that is known as IGRUA. इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, उसका आपको एंट्रेंस वगैरह क्लियर करना होगा, उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है. अच्छा, फाइन. बट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया. ओके, फाइन. सो ये ओवरऑल कॉस्टिंग, अगर मैं यूएस या कनाडा का अगर मैं सोचूं कनाडा से करने के लिए, तो क्या कॉस्टिंग मुझे लगेगी? देखिए, यूएस कनाडा इज कंपैरेटिवली चीपर देन इंडिया, है ना. वहां आपको 35 टू 45 लाख के बीच में इंडियन करेंसी में आपका CPL, IR और मल्टी इंजन तीन हो जाएगा. अच्छा, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, बिकॉज़ मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में. बस मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है हमेशा पायलटिंग करने का, सो आई थॉट कि मुझे अब करना चाहिए, सो इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इसके बारे में. नहीं, किसके बारे में? ये जो आपने तीन चीजें बताई है. अच्छा, ठीक है. सबसे पहले जो आपका बेसिक लाइसेंस होता है वो कहलाता है CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस. उसके बाद होता है, उसी पे एडिशनल रेटिंग होती है, दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट रेटिंग, IR कहलाती है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द लाइक मल्टी इंजन रेटिंग. पहले आप जो फ्लाइंग बेसिक सीखते हैं वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट पे सीखते हैं, उसके बाद देन यू गो फॉर द मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट जिसमें दो इंजन होते हैं. Okay. तीनों रेटिंग्स होती हैं. बेसिक अगर आपको सिर्फ जैसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस की जहां तक बात होती है, उसमें सिर्फ CPL होता है जिसमें IR और मल्टी इंजन नहीं होती, लेकिन इन दोनों के बिना आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती. अगर आप जॉब के लिए जाना चाहेंगे तो दो एडिशनल रेटिंग्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है. ओके, ओके, फाइन. तो क्या होता है ना, अगर आप नेट वगैरह पे, इंटरनेट पे, गूगल पे अगर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको नॉर्मल CPL कॉस्ट पूछते हैं, तो हो सकता है वो आपको 30 lakhs भी बताते हैं इंडिया में. हमेशा यही होता है कि जब भी आप फ्लाइंग की प्लान करें, you have to plan for all three things together. Okay. And ये courses के लिए कुछ ऐसा age limitations या ऐसा कुछ है, कुछ requirements? मिनिमम 18 ईयर्स होता है, 18 ईयर्स के बाद यू कैन स्टार्ट फ्लाइंग, और अप टू 60 ईयर्स आप ये कोर्स कर सकते हैं. अच्छा, normally 25 to 35 is the ideal age to start this course.
25 ईयर्स में प्रॉपर मैच्योरिटी आ जाती है आपकी। तो अगर आप आई वॉज थिंकिंग कि मेरा जॉब जो अभी चल रहा है, ठीक है, हाँ इसके साथ साथ ही मैं कोर्स कंप्लीट करूं तो पॉसिबल हो जाएगा? नहीं, इसके साथ तो फिर यही है कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इंदौर में फ्लाइंग करें, गवर्नमेंट हाँ, फ्लाइंग ये क्लब, भी है ना, एंड दैट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, 3 to 5 years मिनिमम लगता है, और वहाँ ओ पर वेटिंग भी बहुत है अभी, क्योंकि उनके पास क्या बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट और इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। बस यही हो सकता है कि पहले आप अपने थ्योरी पेपर्स क्लियर कर लें, हाँ जितनी फ्लाइंग मिल जाती है कर लें, बाद में आपके जो एडिशनल आवर्स बचते हैं उसको आप कहीं से भी जाकर फटाफट फ्लाइंग करके आ जाएं और आपका लाइसेंस ले लें। अच्छा, फाइन, ठीक है. तो व्हाट यू सजेस्ट, बिकॉज अभी आपके पास जो भी है, लाइक 10 मंथ्स का, 12 मंथ्स का जो आप बोल रहे हैं, है ना, कोर्स, तो वो आप ऑनलाइन सारी चीजें पढ़ाएंगे, है ना, लेकिन फ्लाइंग के लिए मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना ऑफ पड़ेगा. इंडिया भी जाना पड़ेगा। हाँ तो ये मतलब ये आपके तरफ से जो टाई अप आपने करके रखा है, हाँ सो हाँ ये प्रोसेस भी आप ही करेंगे हाँ उसका प्रोसेस भी है। और आप ही करेंगे? फाइन. लाइक इंस्टीट्यूट वहां पर कौन सा हाँ है, क्या नहीं, दैट सारी ऑल्सो चीजें. विल टेक केयर ऑफ। ओके, थैंक यू. ठीक है. ऐसा कुछ है, ये सेशंस कब से स्टार्ट होते हैं, इन अ ईयर या फिर एवरी मंथ चलते साल में हैं? चार चार बार का नॉर्मल इंटेक्स होते हैं इसके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर। ओके, एवरी एवरी थर्ड मंथ वी स्टार्ट वन सेशन। ठीक है. लाइक फिर मुझे पूरी कोर्स की आप डिटेल्स दे दीजिए ना. वो तो मैं आपको मेल कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा। हाँ, आप मुझे मेल कर देना, बिकॉज डेफिनेटली मुझे सीखना तो ज़रूर है. और कनाडा के लिए हम लोग ऑलरेडी ही प्लान कर रहे थे पहले भी कि यूएस शिफ्ट कनाडा, होने आई के विल टेल यू वन थिंग इन फ्लाइंग, कि अगर लिए. आपके पास यूएस कनाडा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के वीजास हैं ऑलरेडी या इमिग्रेशन क्लियरेंस है आपके पास, तो यू शुड अप्लाई फॉर दीज फोर कंट्रीज। अदरवाइज जो सबसे बड़ा इश्यू आता है एक नॉर्मल पर्सन को जिसके पास वीजा वगैरह नहीं है, ऑलरेडी इमिग्रेशन नहीं है, वो कि इसकी एप्लीकेशन कॉस्टिंग बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है और वीजा की प्रॉबेबिलिटी 50-50 रहती है ना। तो जो आपको मैंने एडमिशन करवा दिया है कनाडा में, आपका सब कुछ हो गया, आपने वीजा के लिए अप्लाई किया, इनकेस आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें हाँ जो 1 लाख 2 लाख रुपीज आपका इनिशियली एक्सपेंस हो जाता है वो आपका कहीं भी वापस नहीं आता, वो आपका बेस्ट डेफिनेटली है डेफिनेटली. ना। तो ओके, उसकी एक्चुअली अभी हमने प्रॉब्लम ट्रैवल फाइंड करके, वीजा लास्ट ईयर लिया था फॉर यूरोप के लिए, तो यूरोप इज अ वो डिफरेंट कंट्री का आई नो थिंग एंड प्लस। कनाडा हाँ बाकी हाँ ये जरूरी कि अगर आपके पासपोर्ट पे एक एक ट्रैवल वीजा है ऑलरेडी यस यूरोप का, तो दैट विल वाओ डेफिनेटली हेल्प यू एंड दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग वीजा वीजास फॉर कनाडा एंड फॉर यूएस. कनाडा एंड यूएस, उसमें आपके चांसेस 80-90% हो जाते हैं, बट डायरेक्टली देयर इज नो लाइक कनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। राइट, आई नो, फाइन, ठीक है. एंड लाइक जो फ्लाइंग का रहेगा, लाइक कनाडा अगर मैंने चूज किया है ना, तो वो 6 to 8 months का वो भी रहेगा फ्लाइंग का, 6 to 8 months में नॉर्मली हो जाती है कनाडा में, कोई नॉर्मली हो प्रॉब्लम। जाएगी, ठीक है. एंड फिर वहाँ का स्टे एंड एकोमोडेशन सारा हमें ही बियर करना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली वो सब तो आपको, लेकिन क्या होता है कनाडा यूएस में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि अगर आप वहाँ स्टडी के जाते हैं तो हाँ आई ऑलवेज सजेस्ट ऑल द पायलट्स कि आप सिर्फ स्टडी मत करो, कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी करो, पार्ट टाइम जॉब इज एटलीस्ट नेसेसरी. इतना, सिंस यू आर वेरी क्वालिफाइड पर्सन, यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन एमबीए, तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स वहाँ मिल जाएगी जो कि आपके बेसिक एक्सपेंसेस को आराम से कवर कर सकती है। उससे एक ही ड्रॉबैक रहेगा कि जो कोर्स आपका नॉर्मली 6 to 8 months में कंप्लीट होना था, दैट मे टेक 10 to 12 months और मे बी मोर देन 12 to 14 months, 15 months, बट दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग देयर, एज लॉन्ग एज यू आर स्टेबल देयर, इट्स गुड। सेकेंडली जो एक बात मैं सारे पायलट्स को बोलता हूँ, जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैक्सिमम पायलट्स इंडिया में करते हैं,
वो ये करते हैं कि बाहर जाने के बाद वो ये प्लान करते हैं कि हमें तो इंडिया वापस आना है और इंडिया में ही फ्लाइंग करनी है। उसके लिए स्टैंडर्ड अच्छा प्रोसीजर ये होता है, उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है कि आप फ्लाइंग करके आ जाते हैं, अपना लाइसेंस ले आते हैं कनाडा का, यूएस का, और फिर इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट करा के इंडियन एयरलाइंस में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, क्योंकि रीजन क्या रहता है उसके ये? बाद क्या होता है, जब आपके पास इंडियन लाइसेंस आ भी जाता है तो आपको 2 से 3 साल या 5 साल आपको फर्स्ट जॉब मिलने में लग जाती है। ओ यू फाइन नॉर्मली नॉर्मली यू डोंट गेट अ जॉब इमीडिएटली एज पर माई ओके एक्सपीरियंस, ओके है ना। मेरे अगर अभी तक 600 स्टूडेंट ने फ्लाइंग करके आए हैं तो उसमें से मान के चलिए 400-500 की जॉब जो है उनको लगने में 3 to 5 years लग गए। व्हाई आई एम ओ टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स बिफोर बिफोर यू स्टार्ट, कि कल को आपको कहना चाहिए कि आपने मुझे मिसगाइड किया। आई डोंट वांट टू मिसगाइड एनी ऑफ द पायलट्स। उसकी डेफिनेटली बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, वंस यू आर डन विथ योर फ्लाइंग आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं वहां पर। हाँ इधर यू गो फॉर टाइप रेटिंग ऑन अ बिगर एयरक्राफ्ट। टाइप रेटिंग होती है बड़े एयरप्लेन पे, या तो आप एयरबस 320 की फ्लाइंग करें या बोइंग 737 की फ्लाइंग करें, ठीक है। ओके या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप इंस्ट्रक्टर रेटिंग। उससे एडवांटेज ये होगा कि अगर आपकी फ्लाइंग अच्छी, इफ यू आर अ सेफ एंड गुड पायलट, आप किसी भी एकेडमी में लोकली अप्लाई कर सकते हैं एज अ पायलट इंस्ट्रक्टर जॉब। हाँ तो पायलट आप जो इंस्ट्रक्टर कुछ यहाँ पर इतने सालों में एक्सपेंस किया है वो आप वहाँ पर रिकवर कर लें। आप अपने फ्लाइंग आवर्स कम से कम 2000 प्लस कर लें। वहाँ का ATPL लाइसेंस होता है, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, यू आर आफ्टर 1500 आवर्स यू आर एलिजिबल फॉर दैट लाइसेंस, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड वंस यू आर बैक विद द ATPL लाइसेंस फ्रॉम अदर कंट्री, योर चांसेस विल बिकम मच मोर देन द नॉर्मल द पायलट, अच्छा ओके है ना। फाइन समझ You will गई। have a much better scope to get into Indian job. So that is the ओके right practice, which is normally most of the pilots don't do that. उसके लिए ओके आपको जरूरी है कि जब आपकी फ्लाइंग चल रही है तभी आप कुछ ना कुछ जॉब्स करते रहें, कुछ ना कुछ वहां पर अपने आप को सेटल करने की कोशिश करें, वहां पर आप थोड़े से सेट हो जाएं। और यस एज सुन एज यू फिनिश योर फ्लाइंग गेट योर इंस्ट्रक्टर रेटिंग, इंस्ट्रक्टर का ओके लाइसेंस ले लो। अच्छा वंस यू आर अच्छा इंस्ट्रक्टर आपको वहां पर जॉब की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके सेकेंडली डोंट कीप योर सेल्फ कन्फाइंड टू इंडियन मार्केट। आप ये मत सोचिए चलिए कि आपने पायलट बन गए तो मुझे एयर इंडिया में जॉब करनी है या इंडिगो में जॉब करनी है या स्पाइस जेट में ही करनी है। कीप योर सेल्फ ओपन फॉर ऑल ओवर, बिकॉज वंस यू हैव द लाइसेंस एक्सेप्ट इंडिया, माइंड माई वर्ड एक्सेप्ट इंडिया, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ पायलट। ओके इंडिया में ओके आपको अगर फ्लाइंग करनी है तो हाँ आपको इंडियन लाइसेंस कन्वर्ट कराना पड़ेगा बिकॉज यू आर एन इंडियन। राइट सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल द पायलट इन अदर कंट्रीज। लाइक एक नेपालीज पायलट है, वो नेपाल से जाता है, अगर वो नेपाल वापस आता है तो उसको नेपाल का पायलट लाइसेंस कन्वर्ट कराना पड़ेगा। बट कन्वर्ट कराना पड़ेगा अगर वो ओके इंडिया में जॉब फाइन करना चाहता है बींग अ नेपाली सिटीजन, ही इज एलिजिबल टू अप्लाई इन इंडिया एज अ अच्छा क्वाटा, ओके एज अ फॉरेन पायलट। आप अगर गल्फ कंट्री में, आप दुबई में, अबू धाबी में, आप ब्रुनोई में, बर्लिन में, कहीं भी फ्लाई करना चाहते हैं तो यू आर एलिजिबल टू फ्लाई एज अ पायलट बिकॉज यू हैव एन इंटरनेशनल लाइसेंस फ्रॉम कैनेडा और यूएस। ओके फाइन ठीक है ओके एंड इसमें भी थेरेटिकल्स एग्जाम्स होती है राइट वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बट सिंस यू आर एन इंजीनियर आपको यस इट वुड बी पीस ऑफ केक, क्योंकि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड होता है वो 12th PCM पास स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली रहता ओके है ना। ठीक है और सारा सारा वही चीज है जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट क्या होता है, एयरक्राफ्ट का इंजन क्या होता है, कितने सिलेंडर्स होते हैं, कितने वॉल्व होते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है एयर रेगुलेशन, आप जिस भी कंट्री में फ्लाई कर रहे हैं उस कंट्री का एयर रेगुलेशन आपको बताना चाहिए। दूसरा होता है एयर नेविगेशन, एयर नेविगेशन मींस रूट्स, रूट्स कौन से नेविगेशन एयरपोर्ट से उनको कैसे नेविगेट किया जाता है। थर्ड होता है एयरक्राफ्ट इंजिन्स, ओके कि एयरक्राफ्ट के इंजिन्स किस टाइप के होते हैं, पिस्टन इंजिन होता है, टर्बो प्रॉप होता है, प्रोपेलर होता है, हाँ हाँ हाँ
हाँ ये तो हमने फिजिक्स में ऑलरेडी लाइक पावर इलेवेंथ उसके ट्वेल्थ बाद होता में है, रीड उसके बाद किया। होता है एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक। कोई ओके भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में कितना हॉर्स पावर का इंजन लगा है, कितने किससे उसका विंग साइज क्या है, टेल साइज क्या है, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें उसमें है ना। ओके तो बेसिकली एक, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एक होता है वो होता है रेडियो लाइसेंस, रेडियो टेलीफोनी लाइसेंस, जो कि कम्युनिकेशन के लिए होता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर टावर है ना, रेडियो स्टेशन। क्योंकि ओके फाइन। पायलट्स को सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो उसको टावर से मिलते हैं या रेडियो से मिलते हैं, हाँ राइट राइट राइट। तो दैट इज उसका एक फोर टू लाइसेंस। फाइव सब्जेक्ट्स रहता है राइट। फाइव सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब आपको क्लियर करने होते हैं। और ये अगर आप फॉरेन जाते हैं तो आपको सिर्फ कन्वर्शन पेपर क्लियर करने होते हैं आने के बाद। अगर हाँ आप इंडिया में रहते हैं तो ये सारे पेपर क्लियर होते हैं, लेकिन आपको जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री के पेपर क्लियर करने हैं। कन्वर्शन पेपर्स में आपको ओके फिर टेक्निकल नहीं होता है, टेक्निकल को हाँ क्या आप वहाँ से क्लियर करके आए, क्योंकि एयर हाँ रेगुलेशन हर कंट्री का अलग होता है। तो वो होता है थोड़ा सा नेविगेशन का पार्ट होता है, हर कंट्री की मेट्रोलॉजी डिफरेंट होती है, वेदर साइंस जो होता है वो आपको ओके करते हैं, वो हाँ एक एग्जाम वो होता है। कंट्री टू कंट्री डिफर करता होगा एयर जो भी रेगुलेशन। डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर उस कंट्री में क्लियर करना होता है बस। ओके फाइन ठीक है। हाँ इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप मुझे इसका मेल कर दो है ना, तो मैं पूरा और गो थ्रू कर लेती हूँ लाइक क्या पैकेज मुझे पड़ेगा और कब से मैं इस चीज़ें स्टार्ट कर सकती हूँ। मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा लाइक अप्रैल जुलाई या जो भी सेशंस मैं अटेंड कर आई वुड पाऊँ। सजेस्ट यू कि एटलीस्ट प्लान टू स्टार्ट इन जुलाई जुलाई या मिनिमम ओके अप्रैल। तो अप्रैल में एक बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से, है ओके ना। यू कैन प्लान, बट वो होगा फिलीपींस में, फिलीपींस में ओके। है ना। सो वन मोर थिंग, ये जो एग्जाम्स होंगे वो मुझे इंडिया में पहले थेरेटिकल सारी एग्जाम्स क्लियर करके एंड देन फिर फ्लाइंग के लिए मुझे जब आप जाना पड़ेगा। लाइसेंस कन्वर्ट कराएंगे ना अपना, एट दैट टाइम यू विल बी रिक्वायरिंग टू क्लियर दीज एग्जाम्स। और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइसेंस लेकर आ रहे हैं। अगर आप नॉर्मल सीपीएल लेके वापस आ जाते हैं तो आपको सीपीएल का कन्वर्शन करना है। अगर आप एटीपीएल जो बिगर लाइसेंस है, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, वो लेकर आ रहे हैं तो आपको उसको कन्वर्ट करवाना है। वो ज्यादा इजी होता है कन्वर्ट कराना, ओके ठीक है है। ना। तो दी थ्योरेटिकल के बाद फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से स्टार्ट होगी है ना, साइड हाँ, वहाँ दोनों साइड बाय साइड बाय चलेगी। साइड चलेंगे ठीक है। ओके ठीक है दैट्स इट। और कोई क्वेश्चंस मुझे अभी अराइज तो नहीं हो रहे हैं, बट डेफिनेटली कुछ और क्वेश्चंस डाउट्स होंगे तो मैं आपसे क्लियर करूंगी। लेकिन उसके पहले आप मुझे मैं आपको ईमेल एड्रेस मेरा टेक्स्ट कर देती हूँ, नहीं, मैं आपको आप मुझे। व्हाट्सएप पे सारा डिटेल दे दूंगा। हाँ चलेगा चलेगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप दे दीजिए तो मैं सारा वो गो थ्रू करके फिर जो भी है मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। एनी मोर क्वेश्चंस? वेल अभी फिलहाल तो नहीं है ठीक ना। है, जब भी आपको ओके ना विल प्लान माय कॉल्स इफ यू रिक्वायर। श्योर 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 ओके फाइन थैंक यू सो मच। ओके।